हेलो भाई, मैं अरुण पवार। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने अभी भाई ब्रांड न्यू देखिए एंडेवर लिया, और ब्रांड न्यू इसमें हमने बिल्ला डाला है। ये हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे ना, वहाँ से लेके आया था मैं गधा। पता नहीं पहले मतलब ऐसे ही लिया था कि चलो एक बार ऐसी बिल्ला ले लेता हूँ। पता नहीं भाग में लिखी थी क्या कि एंडेवर आएगी और उसमें गधा लगेगा, तो मैंने कल रात ही लगा लिया। ये ऐसे ही रखा था घर पे, मतलब मैंने ऐसे ही लिया था बस कि अच्छा लग रहा है देखने में, बाहर ही बहुत है ले लेता हूँ। बट भाई मुझे नहीं पता था हमारी एंडेवर की चाबी में डलेगा, तो वो है भाई। अब गाड़ी आ गई तो वो रहता है ना अंदर से थोड़ा घूमने का सा मन करता है कि यार चलो कहीं लिटिल लिटिल घूम के आते हैं। तो अब जैसा हम रहते हैं भाई हरियाणा में, सोहना पलवल के आसपास, गुड़गांव मान लो, तो इनके पास कहाँ, दिल्ली सर वालों के पास कौन कौन सी जगहें घूमने की? ये हो गया शिमला, हिमाली, कसौल, हिमाचल सॉरी कसौल, डलहौजी, धर्मशाला। अब भाई पहाड़ों पर जाना नहीं है, पहाड़ों से हम झिगे पड़े हैं यार। लद्दाख वद्दाख का मूड नहीं है बिल्कुल भी, इनसे झिग गए यार ऊपर तक ना पहाड़ से। तो उसके आसपास और देखो 200-300 किलोमीटर में तो क्या पड़ता है भाई, फिर पड़ता है जयपुर। जयपुर हम लोग जा सकते हैं, जयपुर गए हुए कई दिन हो गए, पहाड़ पे तो हम घूमते रहते हैं। तो हमने प्लान बनाया कि भाई चलो यार थैला पैक करके, जो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं वो बता दो कौन कौन चलेगा। तो हम लोग रेडी हो गए भाई। आकाश तू तो मुझे बेरोजगार सा नहीं लग रहा भाई। मैं बेरोजगार हूँ ही नहीं इसलिए। तो तू नहीं चल रहा मतलब? यस, क्या तू बेरोजगार है? यस ब्रो। तो तू चल रहा है? तू भी बेरोजगार है? हाँ जी ब्रो। तो भाई हम सारे, और मैं भी बेरोजगार हूँ भाई, तो हम तीनों जा रहे हैं बस, और कोई नहीं जा रहा भाई, और किसी पे टाइम ही नहीं है। बताओ क्या कर सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं भाई जयपुर। अब जयपुर क्यों जा रहे हैं वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग मतलब अगली वीडियो में बताएंगे। एंडेवर से जा रहे हैं तीनों जने भाई, चप्पल पहन के, लेट्स गो। बारिश का मौसम का सबसे बड़ा फायदा, घास देखो क्या VIP हो रही है, कती हरी कंच होगी काटने के बाद, और मजा आ गया। चलो इन लोगों को लिटिल लिटिल मैजिक दिखा देता हूँ। ओ ओ हो भाई, नंबर प्लेट को हटा दे, अब जाट वाली है, नॉर्मल लगा पता चले राजस्थान पुलिस का टावर चलान ब्रो। कितने का होता है इसका चलान पता हो ना? नंबर प्लेट ना लगाने का पता नहीं, बॉन्ड भी हो सकती है शायद, पर ये नहीं यार, इलीगल काम क्यों करने हैं? थोड़े थोड़े तो चलते यार। हटा दी भाई हमने अपनी नंबर प्लेट यहाँ पे, यहाँ लगा दी। चल ठीक है आकाश भाई, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी, आप तो बोल नहीं रहे हो हेटर्स। हाँ, तू जा अकेले अकेले घूमने के, तो तू चल मेरी यार, हमें क्या दिक्कत है, गाड़ी 7 सीटर है, अभी तो बहुत जगह खाली है। चलो यश ओके, हैप्पी जर्नी, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। चलो ठीक है भाई, चलते हैं चलो। तो भाई हमारी पहली ट्रिप एंडेवर के साथ स्टार्ट अपनी ऑफिशियली हो चुकी है। सबसे पहले अपने हरियाणा में यहीं से डीजल फुल करवा लेते हैं भाई, वहाँ राजस्थान में तो बड़ा महंगा है भाई। ओ 2800 रुपये में भर गई, मतलब बढ़िया है फिर तो, हमने भरवाई अभी कुछ दिन पहले ही भाई, 2800 का डलवा। मैं कितना ब्रो लग रहा हूँ भाई, बाल वाल कटवा के दाढ़ी को कोई माइंड मत करना भाई, क्या कर सकते हैं। अभी गया था मैं करवाने के बाद 516 किलोमीटर की रेंज, कुल 6000 मतलब 8000 रुपये के तेल में गाड़ी चलेगी 515 किलोमीटर। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी भाई, किस्मत कितनी अच्छी है, ये बारिश और हो गई लगे हाथों यार। ये हमारे वहाँ नहीं है, इधर साइड ही है, और मैं तो होप करता हूँ पूरे टाइम आती रहे तो मज़ा सा आ जाए, गर्मी से भी बचे रहेंगे, स्वाद भी ऑटोमेटिक वाई पर है, अपने आप चल जाते हैं यार। मतलब आपको भाई भरोसा नहीं होगा हमारी बात पे, लेकिन ट्रस्ट कर रहा भाई। अभी ये गाड़ी यश चला रहा है, तो अभी पीछे टोल था कोई, कौन सा टोल, मतलब हम राजस्थान एंटर कर गए पता नहीं हमको, वहां पे वो ट्रांसजेंडर थे, एक तो पैसे मांग रहे थे, तो ये एक्सक्यूज मी, तो इसने खोली ना, क्या एक्सक्यूज मी फॉर्च्यूनर वाले भैया। अरे फॉर्च्यूनर ना इंडिवर दैट बकाला, अरे वो बड़ी गाड़ी देखते ही सबको दिमाग में आ जाता है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर देख लो, तुम अलग है, फॉर्च्यूनर के नाम में दम है भाई। कुछ भी है इसमें लग्जरी वग्जरी कितनी भी हो, बट डेट गाड़ी तो यार फॉर्च्यूनर इज फॉर्च्यूनर ब्रो। चलो भाई पहुंच रहे हैं यार, देखने नंबर प्लेट यहाँ रख दिया यार, इनको ये पता नहीं क्या शो करने का शौक है यार, होते तो सब इंसान ही है भाई। क्यों इतना तुम वो करते हो? कोई नहीं भाई, फटाफट पहुंचते हैं। 158 किलोमीटर, पौने 3 घंटे का रास्ता बचा है। मैं थोड़ा लिटिल लिटिल काम कर रहा था जरा लैपटॉप पे ना, कैसे चल रहा है रे अब तो ना, अब ना चल रहा हूँ। कैमरा ऑन करते भाई लेग रहा था, सांप चल सांप बन रखा था, ये फ्रंट डिस्क अलग जा रहा था, बैक अलग है, कहाँ जुगाड़, कितने टायर है हम गिनियो जरा, ये दो यार, तू गाड़ी चला टायर गिना भाई, क्या है ये, क्या सौदा है, अजीब सा ही। तो एक कैटेन ऐसी चीज है ना कि कुछ दी गई ना है बाहर को, इतनी ज्यादा प्राइवेसी। भाई अब हम जयपुर जस्ट पहुंचने वाले, 28 किलोमीटर बचा है भाई, 33 मिनट। हमने सोची चलो थोड़ी देर रेस्ट ही कर लिया जाए, रेस्ट तो क्या मतलब, इस गाड़ी में थकते तो है ही नहीं, घड़ी गई थी अरुण पवार टाइम टू स्टैंड,
ये कहाँ कह रही, कहाँ कह रही, कीप इट गोइंग, कीप मतलब कह रही कहीं तो ना भाई। मौसम देखो यार, हमारे वहाँ इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है और यहाँ जयपुर में जो न्यों कहे कि भाई बकवास है गर्मी पड़े भाई, कुछ ना है, जयपुर बिल्कुल हमारी तरह है उतना। तो हमें तो लगे ना कहीं गर्मी बढ़ रही पड़ती होगी यार, इतनी तो ठंडक है यार और बारिश है, हमारे वहाँ कोई ठंडक को टी भी ना है यार। गाड़ी बहुत तगड़ी लगे है, देखना क्या लगती है ये बीस्ट है। मतलब रियलिटी में आप देखते हो ना, ये मैंने ब्लैक ब्लैक करवा लिए, क्या गदब गजब लग रही है। ओ गाड़ी तगड़ी लगे है ना, देखियो पीछे जट ब्लैक करवा के तो तगड़ा लगेगा यू, पर अब भी करवाऊंगा ना यार, पुलिस पुलिस को डरना है, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना हमारे पास तब कभी सोचेंगे। अभी तो भाई ये यूपी की गाड़ी में ना फील नहीं आता मुझे, चार नंबर गाड़ी होते तगड़ा भाई, खेल जाके फोटो खेलते। तो ये फोटो वोटो लिटी लिटी लेने के लिए रुक गए, क्योंकि अब 7-6 हो गए, इससे आगे तो रुकेंगे ही जयपुर में सीधा। होटल ये इसने बुक कर रखा है, बताया इसने कि कर रखा है, बाकी भाई यहाँ की बात अनुभव का भी भरोसा रहे तो देखेंगे चल के कैसे बुक करो कैसे ना। कह रहा पूल वारो करो, स्विमिंग पूल वालों में नहाएंगे आराम से चल के। तो भाई जयपुर हम लोग आ गए, इतने तगड़े से होटल बुक किया यार इसने, यसने यस बुकिंग है इसमें पक्का। हाँ भाई है, देख मैं बता रहा हूँ भाई, बेइज्जती मत करो भाईयो, ये गार्ड वार्डन क्या कभी बेइज्जती हो जाए भाई। चलते हैं इसमें जरा देखते हैं पाई तो जब है, अंदर जाके यहाँ पे चेक इन अपना करवा लिया है, मिल गया हो गया मतलब है। अरे पहली बार, हाँ भाई पहली बार मेरे को यस अच्छा लगा, यस की यस पे कॉन्फिडेंस आ गया। चलो अब यार पार्क कहाँ कह रहा हूँ, पार्किंग की कह रहा हूँ, वो लगेज निकाल लो पहले पार्किंग ले लो। दो कई होटल है भाई इसमें, पता नहीं कितने। कर दी भाई हमने अपनी गाड़ी पार्क, हमारे होटल की तो पार्किंग नहीं यार। यस भाई कहाँ यार, जो इसमें कहीं है जो दा फरने करवाएगा ना, ये वाला जो बुक करवाएगा ये वाला महंगा वाला, उसके लिए ही है वो वाली पार्किंग जिसमें वो बंदा करके आता है खुद। पर भाई कितना ही जोर पड़ता है, देख यहाँ से और यहाँ तक कितना ही दूर है यार, हम खुद कर लेंगे, उसके लिए इतना महंगा करो। तो ये थोड़ा प्रीमियम सर्विस दिखाने के लिए रूम दिखाता हूँ, रूम कैसा है भाई। भाई चलते हैं 634 रूम नंबर 29, अच्छी वाइब दे रहा है यार होटल तो, 1500 रुपये में क्या ही लोगे। और अरे ये आ गया एंड का दिया है, 1500 में कह रहा है एंड का ही मिलेगा। 34 ही तो है जियो, मोह शक हो ही रहे हो तो पे लगा के देखियो तू, मोह तो शक है रो। हाँ नहीं यार, ओ भाई ये क्या है, डाल वाए जल्दी सी कार्ड से घुसा ये ब्रो, ये MCA इसमें। ओ भाई रूम देखो किच, यार कहाँ करेंगे हम, यहाँ मनाएंगे यार, बढ़िया है यार रूम तो, आ जा यू कहा है। ओ बेटे भाई सही है यार, सिस्टम ठीक है, मजा आएगा सुबह में। यहाँ तो जयपुर का व्यू देख लो, यो रोड चलता हुआ, काफी इंटरेस्ट काफी फन हो जाएगा इसमें तो। चिमनी भी लगा रखी है, ओहो गुड भाई। अब हमने खाना वाना थोड़ा सा खा लिया मैकडी से मंगवा के, और हमारे दोस्त मनीष भाई राजस्थान से जयपुर से ये मिलने आए, कैसे हो भाई। बढ़िया भाई, चलो काफी अच्छा है, चलो कुछ खिला पिला दो भाई, बना के थोड़ा चिमनी से मैकडी से खर्चा मत करवाओ। चलो भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं यार जयपुर ना, आओ कैसी लग रही गाड़ी चलाने में। बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर यार, जो जान है ना गाड़ी में बस मजे आ जाते हैं, पंजे दबाती भागती है ना ऐसे झूलती है ऐसा। भाई वापसी हम आ चुके हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं होटल पे, चलेंगे घूम फिर के है, हाँ भाई पार्क कर देते हैं और तो क्या यार, ये वेले पार्किंग दूसरे भाई ऐसे है, ये इतने गंदे होटल वाले है। मनीष आया था जैसे गेस्ट, तो इसने सेम होटल बोला, होटल अनुकर्मा अनुपमा जन क्या, इसकी तो पहले पार्किंग कर दी और हमको इंडेवर में भाव भी नहीं दे रहे। अरे भाई मो लगे गाड़ी 8J45 है, जब तो गाड़ी नंबर देख के देते हो, इन्हें गाड़ी नंबर देख के तो हमारी यहाँ पे हमें यहाँ पे पार्क करनी पड़ रही है हमारी गाड़ी, यहाँ पे जो भाई बैठे हमारे ना
यहीं कर देते हैं, और तो क्या करें, चलो कोई नहीं, वेले पार्क ही नहीं दे रहे तो भाई है गाड़ी पास है, 24.5 लाख रुपए में बढ़ता है ना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोई घाटो ना 24.5 में तो बढ़िया सौदा है बिल्कुल, और जेन्युइन कंडीशन है एकदम भाई। सारे दोस्तों को हमने यारों को तो पसंद आ चुकी है गाड़ी भाई। अब बज गए हैं रात के मेरे ख्याल से 11:40-11:45 हो गए, तो फिर भूख सी लगी आई तो हमने और मंगवा लिया डोमिनोज से, और विनोद गया उसके साथ मनीष भाई के साथ रहने, क्योंकि ये दो ही का ही बुक किया था इसने भाई, तो वो उसके रूम पे वहाँ पे सो जाएगा, कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं। तो भाइयों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं और जयपुर क्यों आए वो भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।